हम लेकिन व्यूवर्स आज हम लोग रिव्यूज लेके आए हैं इनवायरो कंपनी के सबसे लेटेस्ट मॉडल का, जो कि T3 के साथ आता है और वाईफाई के साथ आता है। और हमेशा की तरह हमारी वीडियो बनाने का मकसद किसी भी प्रोडक्ट की तारीफ करना नहीं होता, बल्कि इसकी खूबियां और खामियां आपके पास लाना होता है ताकि आपको परचेजिंग में आसानी हो सके। लेकिन इससे पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए ताकि ऐसी ही वीडियो हम आपके लिए लेके आते रहें। सबसे पहले बात कर लेते हैं इसकी फीचर की, तो ये T3 कंप्रेसर के साथ मिल जाता है। इसके अलावा 100% कॉपर में मिल जाता है। वाइड एंगल इसकी ग्रिल मिल जाती है, जिससे इसकी जो ब्लोअर थ्रो है वो काफ़ी बेहतर होने वाली है। अगर आउटसाइड टेम्परेचर 52°C है तभी ये बहुत अच्छा काम करेगा, क्योंकि ये T3 कंप्रेसर के साथ आता है। इसके अलावा इंडोर वाइपर की बात कर ले तो ये हमें गोल्डन कलर की फीचर के साथ मिल जाता है। और इसके अलावा ऑटो सेल्फ क्लीन का फीचर मिल जाता है, जो कि तमाम नए एसी में आ रहा है। और इसके अलावा वाईफाई अनेबल एसी है ये, जिसको आप बड़ी सारी से वाईफाई से कनेक्ट कर सकते हैं। गैस की बात कर लें तो 410 में गैस आती है, जो कि काफ़ी अच्छी और काफ़ी फास्ट वर्किंग करती है। इसकी बॉडी की बात कर लें तो इसकी जो बॉडी है वो वाइट एक्रेलिक शीट में आती है। इससे फायदा ये होता है कि जो आमतौर पर वाइट कलर है उसकी जो बॉडी है वो वक्त के साथ अपना कलर चेंज कर लेती है, लेकिन इसकी जो बॉडी है वो एज इट इज रहेगी। उसके अलावा T3 कंप्रेसर के साथ आता है, डुअल इन्वर्टर इसे कहा जाता है। अब बात कर लेते हैं इसकी LED की, तो LED आप देख सकते हैं राइट साइड पे आती है, और आपसे तमाम मॉडल जो आया करेंगे उनकी जो LED है वो इसी डिज़ाइन में आया करेगी। ये आपको वाईफाई का सिंबल भी देगी, और उसके अलावा इसका जो टेम्परेचर है वो आप बड़ी आसानी से सेट कर सकते हैं और उसको ऑन ऑफ भी कर सकते हैं अगर आपको इरिटेट करती है तो। इसकी ब्लोअर की बात कर लें तो सिंगल स्वीप के साथ ही हमें मिल जाता है, जिससे इसकी जो ब्लोअर थ्रो है वो काफ़ी बेहतर होने वाली है। इसके अलावा 4-way कूलिंग के साथ मिल जाता है, राइट एंड लेफ्ट अप एंड डाउन, जिसे रिमोट से आसानी आप सेट कर सकते हैं। इसका जो फ्लिप है ये आप देख सकते हैं, ये लॉक है, जिससे जैसे ही आप इसे पीछे पुश करेंगे तो ये ग्रिल जो है जो फ्लिप है ये रिमूव हो जाएगी, जिसे आप वॉश कर सकते हैं। अब बात कर लेते हैं इसकी इंसर्ट की, इंसर्ट की बात कर लें तो इसके इंसर्ट पे आपको प्लास्टिक के फिल्टर मिल जाते हैं, जिसको आप मैन्युअली वॉश करना पड़ेगा। और इसके अलावा इसके वाइपर की बात कर लें तो गोल्डन कलर की फिंसों के साथ मिल जाता है, जिससे ये होता है कि बहुत ज़्यादा हाई टेम्परेचर पे लिक्विड सर्कुलेशन लीक नहीं होता। और इसके अलावा लिक्विड सर्कुलेशन भी बहुत अच्छे तरीके से वर्क करता है। इसके अलावा तमाम एसी की तरह इसमें आपको ऑटो सेल्फ क्लीन का फीचर मिल जाता है, करना आपने यह है इसके रिमोट पर बटन आता है, उसको जैसे ही आप प्रेस करेंगे तो उसके इंडोर वाइपर पर बर्फ़ फ्रीज होना शुरू हो जाएगी। जैसे ही वो बर्फ़ मेल्ट होगी तो आपका जो इंडोर वाइपर है वो बिल्कुल लोट और नीट नीट होगा, लेकिन इसका जो ये जो फिल्टर है ये आपको मैन्युअली वॉश करने पड़ेंगे। LED की बात कर लें तो LED इसकी राइट साइड पर आती है, आप देख सकते हैं ये इसकी LED है। अब बात कर लेते हैं इसकी SWR की, जो कि इसके राइट साइड पर चिट लगी होती है। इसकी स्टार्टिंग अंपेयर की बात कर लें तो इसकी स्टार्टिंग अंपेयर 5.7 है, ये आप देख सकते हैं, जो कि काफ़ी बेहतर है। और इसकी जो SWR है वो 3.6 है, उस हिसाब से जो इसकी अंपेयर एवरेज बनती है वो 1.5 या 2 अंपेयर बनती है, जिसे आसानी UPS पे भी चला सकते हैं, बशर्ते जो UPS है वो 2000 वाट का हो। गैस की बात कर लें तो R410 में गैस आती है, ये हायर कंपनी का सेकंड ब्रांड है इनवायरो। और इस टाइम जो स्क्रीन पर नंबर चल रहे हैं, अगर कोई दुकानदार आपकी बात नहीं सुनता तो इन नंबरों पर कॉन्टैक्ट करके आसानी आप सर्विस बैकअप ले सकते हैं। इसकी सर्विस बैकअप की बात कर लें तो इसकी जो कंप्रेसर की वारंटी है वो 10 ईयर है, और 1 ईयर इसकी पार्ट्स की वारंटी है, और 4 ईयर इसकी PC किट की गारंटी मिल जाती है, जो कि कंप्रेसर के पास सबसे एक्सपेंसिव चीज़ होती है। ये हायर कंपनी का सेकंड ब्रांड है, जबकि हायर में R132 गैस आ रही है, जिससे कंप्लेन ये आ रही है इसके जो आउटडोर है उसको आग लग जाती है, जो कि बिल्कुल आम सी बात है, जबकि इसमें जो गैस है वो R410 है। और वारंटी भी इसकी 10 ईयर है, और रिवर्सेबल एसी है ये, बतौर हीटर भी इस्तेमाल कर सकते हैं घर में, ऑफिस में, जहां आप चाहें, लेकिन ये आपके उतने ही एम्पीयर लेगा जितने कूलिंग में ले रहा है, 1.5 या 2 एम्पीयर ये लेगा। और अगर आप चाहते हैं आपके जो एम्पीयर एवरेज है बहुत बेहतर हो तो करना आपने ये है, इसका जो आउटडोर है वो आपने कोशिश करनी छांव में लगाना है। अब बात कर लेते इसकी एक्सेसरीज के, इसके साथ आपको 10 फिट पाइप मिल जाता है, इसके अलावा एक रिमोट मिल जाता है, और इसके अलावा 10 ईयर इसकी वारंटी है, वारंटी कार्ड मिल जाता है, मैनुअल गाइड बुक मिल जाती है। कंप्रेसर की बात कर लें तो उसमें जो कंप्रेसर है वो T3 हमें मिल जाता है, अगर आपके आउटसाइड टेम्परेचर 28°C है तो ये T1 में काम करेगा, और जैसे ही आउटसाइड जो टेम्परेचर है 48°C क्रॉस करेगा ये T3 में कन्वर्ट हो जाएगा। इसके अलावा ये सी आपको वाईफाई इनेबल मिल जाता है, करना आपने ये है इसके रिमोट पे एक बटन आता है, उसको प्रेस करके रखना है और आपके जो घर का वाईफाई राउटर है उससे कनेक्ट हो जाएगा। और उसके बाद आपने प्ले स्टोर से एक ऐप डाउनलोड करनी है, जो कि इनवायरो या हायर के नाम से होगी, और उसके बाद आप कभी भी कहीं भी देख सकते हैं इसी कब ऑन हुआ था और कितने एम्पीयर ले रहा है। इसकी वारंटी की बात करें तो 10 ईयर इसकी वारंटी है, 4 ईयर PC किट की वारंटी है। कीमत कर लेते इसकी कीमत की, तो इसकी जो मार्केट में कीमत है अब तक ये वीडियो बन रही है वो 98,000 है। इसकी कीमत की बात कर लें तो कीमत भी काफ़ी रिजनेबल है। उसके अलावा इसकी जो बॉडी है वो एक्रेलिक शीट में मिल जाती है, जो कि काफ़ी अच्छी क्वालिटी की, इसका जो कलर है वो चेंज नहीं होगा। अब बात कर लेते हैं इसकी सेविंग की, तो इसकी जो सेविंग है वो 80% है, यानी कि आसान अल्फाज में अगर आपका घर का बिल 10,000 रुपये आ रहा है आम एसी में, तो इसमें जो बिल है वो सिर्फ और सिर्फ 2,000 रुपये आएगा। पंखा टेंट की बात कर लें तो वो भी काफ़ी बेहतर है। इसके अलावा T3 कंप्रेसर मिल जाता है, वाईफाई एनेबल ये AC है। कीमत की बात कर लें तो कीमत भी काफ़ी रिजनेबल है, 98,000 है। वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, ताकि ऐसे ही वीडियो हम आपके लिए लेके आते रहें।